बोकारो जिले के नक्सल प्रभावित ललपनिया में निर्माणाधीन विद्युत ग्रिड में बीती रात हथियारों से लैस अपराधियों ने अचानक धावा बोलकर मजदूरों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के सामान लूट लिए। अपराधियों ने मजदूरों की पिटाई भी की। आपको बता दें कि जय माता दी इंटरप्राइजेज नामक कंपनी के द्वारा विद्युत ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है। यहां रात में भी मजदूर मौजूद रहते हैं। घटना के बारे में मजदूर प्रमोद कुमार साव ने बताया कि करीब 15 से 20 की संख्या में हथियारों के साथ आए अपराधियों ने पहले गेट खुलवाया, इसके बाद सभी को एक कमरे में बंद कर दिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। जख्मी मजदूर प्रमोद ने इलाज के बाद ललपनिया पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने घटना की पुष्टि नहीं की है। 8 बजे करीब मैं घुस गया अंदर। अंदर घुसने के बाद वो लोग तुरंत वार कर दिया मेरे सर पे, फोड़ दिया मेरा सर उपार कर। उसके बाद वो अंदर ले जाकर रूम में बंद कर दिया। लोग रूम में बंद करने के बाद ये लोग अपने बाहर क्या क्या किया, खटखट का आवाज आ रहा था। उसके बाद ये लोग अपना फिर क्या बोलते हैं, ये DTR का सब उसमें रेंज पाना था वो भी निकाल के सब ले गया। लोग खोला खाला, फिर उसके बाद हम लोगों को पूछा कहाँ कहाँ क्या पैसा कहाँ कहाँ रखे हो, उसको भी ले लिया, मोबाइल भी छीन लिया, हम लोगों का बैग भी लेकर चला गया। फिर यहाँ पे क्षतिग्रस्त क्या क्या सामान किया था? क्षतिग्रस्त में है ये क्या बोलते हैं, DTR का कॉयल है और बैटरी है और दो ड्रम है, दो ड्रम कंडक्टर है और तेल भी गिरा दिया DTR। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।